हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। सो आज के इस वीडियो से हम रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे हम क्रैश कोर्स भी बोलते हैं। सो क्विक रिवीजन होगा, और वैसे मैंने जो एनसीईआरटी के सारे चैप्टर है ना, वो सीरियल वाइज करा रखे हैं, जिनकी मैं लिंक भी दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में क्या होगा, जो चैप्टर नंबर 1 है क्लास 10 मैथमेटिक्स का रियल नंबर, ठीक है, उसका हम क्विक रिवीजन करेंगे पूरा ओवरऑल। और ऐसे ही क्लास 12th के लिए भी मैं क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ, सो वो भी आपको मिलता रहेगा। सो हमसे जुड़े रहिएगा। सो सबसे पहले बात करते हैं रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर में तो देखो दो टाइप के नंबर होते हैं आपके पास, एक होता है रियल नंबर एंड दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। ओके, सो इमेजिनरी नंबर क्या होता है, इसे तो आपका चैप्टर में है ही नहीं, ठीक है। रियल नंबर के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो इमेजिनरी नंबर क्या होता है, जो आई के फॉर्म में लिखा जाता है, जो काल्पनिक मान होते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे एक नंबर बोल दूं कि इस, अगर मेरे को इसका वैल्यू फाइंड करके दिखाओ, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, सो एक्स स्क्वायर प्लस का फोर उधर का क्या होगा, माइनस 4, और एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 4 का रूट। तो आप बोलेंगे सर इसकी तो वैल्यू हम निकाल नहीं सकते। निकाल सकते हैं, लेकिन इसका रियल वैल्यू नहीं निकलेगा, इसका निकलेगा इमेजिनरी वैल्यूज़। वो भी मैं अभी आपको सिखा सकता था, लेकिन वो 10th के सिलेबस में नहीं है, वो फर्स्ट ईयर पे आता है क्लास 11th में। सो उसे हम क्लास 11th पे ही छोड़ देते हैं। अब बात करते हैं रियल नंबर्स। तो रियल नंबर में दुनियादारी सब आ जाती है। दुनियादारी सब का मतलब सारे नंबर, नेचुरल नंबर आता है, आपका होल नंबर आता है, रैशनल नंबर आता है, इरेशनल नंबर आते हैं। सो ये सारे जो नंबर है, इंटीजर आता है, ठीक है, ये सारे जो नंबर है वो आपके रियल नंबर में आ जाते हैं, ठीक। और जो सबसे काम का जो आपका सिलेबस में है वो है आपका रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले बात करते हैं रैशनल नंबर की, ठीक है। एक क्विक सा रिवीजन चल रहा है आपका, ये सारी चीज़ें मैं पहले ही बता चुका हूँ, बट इस दोबारा से थोड़ा बहुत रिवीज करा देना ज़रूरी है। सो बात करते हैं रैशनल नंबर की। रैशनल नंबर क्या होता है, व्हाट इज रैशनल नंबर, ठीक है। सो इसके बारे में देख लेते हैं। कोई भी नंबर जिसे हम p अपॉन q के रूप में लिखेंगे, जहां पर q की वैल्यू 0 ना होनी चाहिए, इसकी वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0, और ये और p और जो q है ना वो क्या होने चाहिए, इंटीजर से आते हैं। p और q कहां से आते हैं, इंटीजर से आते हैं, और p और q आपस में को प्राइम भी होने चाहिए, समझ रहे हैं आप, तब जाके उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। आई बस समझ में, हर एक नंबर जो p अपॉन q के फॉर्म में लिखा जाता है, हर एक नंबर जो p अपॉन q के फॉर्म में लिखा जाता है, और जहाँ पर नीचे डिनोमीटर वाला 0 नहीं होना चाहिए, और p और q इंटीजर से आना चाहिए, साथ ही साथ p और q आपस में को प्राइम भी होने चाहिए, सो ऐसे नंबर को हम रैशनल नंबर बोलते हैं। और इनको छोड़ के बाकी नंबर जो इस रूप में नहीं लिखे जा सकते, फॉर एग्जाम्पल रूट 2, ये एक इरेशनल नंबर है। अब एक आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, बताना है आपको कि कौन सा रैशनल है और कौन सा इरेशनल है। मैं आपको दो एग्जाम्पल भी देता हूँ, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा गया है। एक क्वेश्चन नंबर 1 बना देता हूँ और एक क्वेश्चन नंबर 2 बना देता हूँ, और आपको बोलना है कि इसमें से रैशनल कौन सा है और एक इरेशनल कौन सा है, ठीक। सो मैंने एक नंबर लिख दिया 2.31 बार, और एक मैंने नंबर लिखा है 2.01001001000001, ऐसे ये चल रहा है। सो आपको बताना है इन दोनों में से रैशनल कौन सा है और इरेशनल कौन सा है। तो देखो जो रैशनल नंबर होता है ना, अगर वो हमेशा टर्मिनेट हो जाते हैं, टर्मिनेट होते हैं, या फिर टर्मिनेट नहीं भी हो रहे ना, जैसे ये 2.31 है, ये रिपीटिंग नंबर है, चलता रहेगा, 3-1, 3-1, 3-1 आता रहेगा, एक आपको सिमेट्री मिल चुकी है, समझ रहे हैं ना, आपको एक सिमेट्री मिल चुकी है। और इस सिमेट्री जब कोई नंबर दे देता है, सो ये आपका रैशनल नंबर हो गया, और ये सिमेट्री नहीं दे रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग तो ये भी है, लेकिन ये सिमेट्री दे रहा है, सो ये आपका रैशनल नंबर है। ये चीज़ आप क्लास 9th में प्रूफ करके आए हैं, और ये आपका क्या है, इरेशनल नंबर है। सो इसे 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर सेक्शन ए में। चलो ये चीज़ भी हो गई, रैशनल इरेशनल का कॉन्सेप्ट हमारा बन गया है।
अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? इक्वली डिवीजन एल्गोरिथम है ना। इस पर क्वेश्चन तो पक्का आना है, 2 मार्क्स में आए या 1 मार्क्स में आए, आना पक्का है। सो ये देख लेते हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है इसको देख लेते हैं। सो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहती है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ये बोलती है, अगर आपके पास 2 नंबर हैं, 2 रियल नंबर हैं, ठीक है, इफ यू हैव 2 नंबर्स, 2 रियल नंबर्स ए एंड बी, ठीक है, सो उनमें से जो आपका ए है, विच इज ए जो है वो बड़ा है बी से, सो देन ए कैन बी रिटन एज, तो ए को हम लिख सकते हैं किस रूप में, ए इज़ टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये क्यू क्या होता है? कोशेंट। क्यू क्या होता है? कोशेंट। आर क्या होता है आपका? रिमाइंडर, ठीक। और इस आर की जो वैल्यू होगी, जो आर की वैल्यू होगी वो ऑलवेज बी से छोटी होगी और 0 या 0 से बड़ी होगी ऑलवेज, ठीक है। जो रिमाइंडर होगा ना वो ऑलवेज बी से छोटा होगा और 0 या 0 से बड़ा होगा, ठीक। ये चीज़ आ रही समझ में? ओके, ये भी आगे फॉर एग्जांपल मैं देख देता हूँ। सपोज करो आपके पास एक 5 है, एक 2 है, सो हम 2 को क्या, इसको कैसे लिख सकते हैं? 5 को 2 × 2 + 1, सो ये जो रिमाइंडर है वो 2 से छोटा है कि नहीं? तो ये चीज़ भी हो गई। अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। क्विक रिवीजन चल रहा है हमारा, इस चीज़ को ध्यान में रखना। बाकी मैं डिटेल में समझा चुका हूँ हर एक एक्सरसाइज को, लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हैं, सीख सकते हैं। सो एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं आपके एनसीईआरटी का और उसे मैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से सॉल्व करूँगा। जैसे आपके एनसीईआरटी का 1.1 का पहला क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ, क्योंकि जो सबसे बेहतरीन यूज होता है क्या फाइंड करने के लिए यूज होता है? एचसीएफ, ठीक है। सो एनसीईआरटी का जो पहला क्वेश्चन है, 135 and 225, ये चीज़ है। सो सॉल्यूशन पे आप आ जाओगे, सॉल्यूशन पे आप क्या लिखोगे? सबसे पहले क्या लिखना है? सिंस 225 इज ग्रेटर देन 135, हो गया, ये स्टेप लिखोगे। नाउ आपको क्या करना होता है, 225 इस तरफ लिखो और छोटा वाला इस तरफ लिखो। अब आपको क्या करना है, ये चीज़ आप छुपा के नहीं कर रहे होगे, एग्जामिनर को दिखाओगे। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये भी आपको दिखाना है। कई बच्चे पीछे करने लगते हैं रफ में, रफ में नहीं करना यार, आपको दिखाना है एग्जामिनर को क्या मुझे आता है। सो 135 से आपको डिवाइड करना है 225 में, ऑब्वियसली कितनी बार जाएगा? 1 टाइम जाएगा 135, माइनस करो 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9, सो 90 आ जाएगा, ठीक है माइनस करने पर। सो कितनी बार गया? 1 टाइम, मल्टीप्लाई में 1 लिख दो और रिमाइंडर कितना बचा? 90, ये हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब इन 2 नंबर को देखना है, सो बड़ा वाला नंबर इस तरफ लिखो, छोटा वाला नंबर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, इस छोटे वाले से बड़े वाले में डिवाइड करना है, कितनी बार जाएगा? 1 ही बार जाएगा, माइनस करोगे कितना आ गया? 45। सो कितनी बार गया? फिर से 1 बार गया और रिमाइंडर कितना बचा? 45। अब 90 और ये 45, बड़ा वाला कौन सा है? 90 है, छोटा वाला 45 है, यहाँ लिखो 90 और यहाँ आ जाएगा 45। सो 45 टू जा, क्लियरली पता चल रहा है कितना आ रहा है? 90 और रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0। तो 45 से आपको डिवाइड करना है 90 में, कितनी बार जाएगा? 2 बार। ये प्रोसीजर आपको तब तक करना होता है जब तक आपका रिमाइंडर क्या ना आ जाए? 0 ना आ जाए। सो देखो आपका रिमाइंडर कितना आ गया? 0 आ गया, है कि नहीं? तो देखो जो रिमाइंडर आया है, इसे ऊपर वाला, इसे हम R1 बोलते हैं, हैंस जो HCF होगा 0 के जस्ट ऊपर वाला वो कितना होगा? वही आपका HCF हो जाएगा, 45 इज योर HCF।
ये क्वेश्चन हर बार आता है, हर बार। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मतलब इस ये ना है या इस टाइप का है, आना ज़रूरी है। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन भी हमने कर लिया है, बाकी इससे रिलेटेड मैंने पूरी एक्सरसाइज करा रखी है। अब हम आते हैं, ये यूक्लिड पढ़ लिया अभी हमने, अब हम पढ़ेंगे अच्छा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इसके बारे में भी जान लेते हैं। फंडामेंटल थ्योरम अरिथमेटिक, ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं कि व्हाट इज दिस। सो देखो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है, एवरी नंबर, ध्यान से सुनना, एवरी नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। हर एक नंबर को हम उसके प्राइम फैक्टर के रूप में, मल्टीपल्स के रूप में लिख सकते हैं। ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल ही मैं लूँगा आपके सामने, सपोज करो मैं ले लेता हूँ 144। सो 144 को मैं लिख सकता हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में, कैसे देखो, सबको आता होगा आई थिंक, लास्ट में इवन नंबर तो 2 से डिवाइड होगा, 2 सेवन ज़ा 2 टू ज़ा, फिर से डिवाइड होगा 2 से, 2 थ्री ज़ा 2 सिक्स ज़ा, 2 वन ज़ा 2, 2 एट ज़ा 16, 2 नाइन ज़ा 18, 3 थ्री ज़ा 9, 3 वन ज़ा 3। सो देखो हियर 144 इसको 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 चार बार है, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 15 दो बार है। ठीक है, यहाँ पे जो नंबर आए हैं 2 और 3, क्या नंबर है ये बोला बताओ आप, प्राइम नंबर है कि नहीं? ये जो 2 और 3 मैंने लिखा है मल्टीपल्स के रूप में 144 को, ये प्राइम नंबर है। और मैंने क्या बोला था, जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है ना, वो क्या बोलती है कि हर एक नंबर को हम प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिख सकते हैं। प्रूफ क्लियर, इस पर भी मैंने क्वेश्चन करा रखे हैं एनसीईआरटी के, देख लेना आप, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाकर, और लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन तो आप आराम से कर लोगे, अब इस पर बेस्ड इसकी मदद से एचसीएफ एलसीएम निकालते हैं, ठीक है, उस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं एक आधा। सपोज करो एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, HCF और HCF एंड LCM दोनों फाइंड करना है हमें, ठीक है, HCF और LCM में दोनों फाइंड करना है। और मैं ले लेता हूँ, क्वेश्चन क्या है 56 एंड 56 ले लो, और कुछ ले लेता है मैं, हम ले लेते हैं 27। इन दोनों नंबर को हमें LCM और HCF दोनों फाइंड करना है, क्लियर है, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टर इसका भी करना है और इसका भी करना है, 2 टू ज़ा 4, 2 एट ज़ा 16, 2 वन ज़ा 2 फोर ज़ा, 2 सेवन ज़ा 14, 7 वन ज़ा 7, ठीक। अब आते हैं 3 टाइम ज़ा 27, 3 थ्री ज़ा 9, 3 वन ज़ा 3, क्लियर है। अब आपको क्या करना है, आगे 56 यहाँ लिखो, जो भी आए मल्टीपल्स उनको लिख दो, 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू में क्या है 7 और 1 भी लिख दो, फिर क्या है 3 इंटू 3, 27 को लिखो 3 इंटू 3 इंटू 3 और इंटू में 1। देखो HCF निकालते हैं पहले, पहले क्या निकालते हैं HCF निकालना है आपको, क्या ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों में हो, है कुछ जो दोनों में हो? नहीं है, जब कुछ भी ना हो तो 1 होता है। सो HCF कितना हो जाएगा 1, ठीक है, और LCM क्या होगा, LCM हो जाएगा ये पूरा 2 की पावर 3 तीन बार है, 7 एक बार है और ये 3 तीन बार है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे आपका LCM आ जाएगा। ये थोड़ा अजीब क्वेश्चन हो गया, मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूँ उसको भी करके दिखाते हैं।
जैसे कि 56 ले लिया एंड 24 ले लिया, ये थोड़ा आसान क्वेश्चन है, 24 है ये, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, 2 2 2 2 16, 2 1 2 4 2 7, 7 1, फिर काटो 2 से, 2 1 2 2 2 6 2 3 3 1, ठीक है। अब 24 को लिखते हैं, ट्वेंटी फोर कैसे लिखा जाएगा, 2 2 2 2 × 2 × 2, फिर क्या है, इंटू में 3, फिर इंटू में 1। अब देखो एचसीएफ निकालना है हमें, दोनों में है कि नहीं, दोनों में, तो जो दोनों में है उसको ही लिखना है, 1 2 3 इंटू 1, सो 2 2 4 2 8, ठीक है। अब जो दोनों में था वो तो हमने लिख देना है एलसीएम में, ठीक है, ये लिख दिया, और जो बच गए हैं उनको अलग से मल्टीप्लाई कर दो। सो 8 × 7 × 3 मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम, ठीक, ये भी हो गया। अब एक रिलेशन है हमारे पास, रिलेशन क्या होता है, अगर दो नंबर की फिर से ध्यान रखना, दो नंबर की बात कर रहे हैं, अगर दो नंबर की हमें एलसीएम और एचसीएफ पता है तो क्या होता है, उस उन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है फर्स्ट इंटू सेकंड, वो होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम के इक्वल, ये रिजल्ट याद रखना है, ठीक। इस रिजल्ट को याद रखो, और इसकी मदद से अगर आपका क्वेश्चन सही है कि नहीं वो आप इससे भी चेक कर सकते हो, दो नंबर का आपने एलसीएम निकाला, एचसीएफ निकाला, उन दोनों की मल्टीप्लाई उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होनी चाहिए, अगर हो रहा है तो सही है, नहीं हो रहा है तो गलत किया आपने, ठीक है, ये चीज़ भी हो गई। इस रिजल्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं एनसीईआरटी का। सो क्वेश्चन नंबर 4 है 1.2 का, जो एचसीएफ है वो 9 है, तो हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो मैंने अभी बोला सॉल्यूशन पे आप क्या लिख दोगे, वी नो दैट जो रिजल्ट है फर्स्ट इंटू सेकंड, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, क्या होना चाहिए, एलसीएम इंटू एचसीएफ, एचसीएफ 9 है, हमें एलसीएम निकालना है, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में इधर के डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, सो 9 से काटो, 3 3 3 1 3 2 3 3 9 3 4 12, 34 और 6 इसको मल्टीप्लाई कर दोगे आपको आपका एलसीएम मिल जाएगा, ठीक है, ये चीज़ भी हो गई आराम से, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये एक क्वेश्चन है जो हर बार आता है, प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको चाहे आए या ना आए, रट्टा मार लो, मैं तो बोलूँगा रट्टा मार लो, लेकिन कर लेना है क्योंकि स्टेप्स सेम है और आपको ये क्वेश्चन में ज़रूर पूछा जाएगा बोर्ड में, लिख लो मेरे से। सो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, प्रूव दैट, हमें करना है क्वेश्चन प्रूव दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक, ये करना है हमें सॉल्यूशन पे। तो सॉल्यूशन पे आ जाओ, सबसे हमें क्या करना है, क्योंकि दो स्टेप में करना पड़ेगा, ब्लू पेन है सो शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, लाइटली दिख रहा होगा तो एडजस्ट कर लेना। सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, लेट √3 इज एन इरेशनल नंबर,
ये चीज़ लिख दोगे, उसके बाद ये बोलने के बाद आगे का प्रोसीजर कुछ इस प्रकार से होगा। अगर कोई नंबर, सॉरी रेशनल क्यों बोल रहा हूँ, रेशनल नंबर, ठीक है, तो कोई भी रेशनल नंबर कैसे लिखा जाता है, रूट थ्री को हम लिखेंगे पी अपॉन क्यू में, जहाँ पर क्यू की वैल्यू क्या नहीं होती है, ज़ीरो नहीं होती है। अब इसके अपॉन में वन लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो पी वन जो पी, यहाँ क्या जाता है रूट थ्री क्यू। फिर क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, पी स्क्वायर इक्वल टू थ्री क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, सिंस क्यू स्क्वायर का मल्टीपल क्या है, थ्री है, सिंस पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई थ्री, देयरफोर पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय थ्री, ठीक। क्यों, देखो अगर 25 किससे डिवाइड होता है, 5 से, सो 25 का जो स्क्वायर रूट है 5, वो भी किससे डिवाइड होगा, 5 से। इट मीन्स अगर पी स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 3 से, सो पी भी किससे डिवाइड होगा, 3 से। सो वही चीज़ मैंने लिखी है यहाँ पर, क्लियर। नेक्स्ट स्टेप में लेट हमें क्या करना होता है, पी है यहाँ पर, किसके लिए बात कर रहे हैं, 3 के लिए, सो पी इक्वल टू 3 आर, इक्वेशन नंबर 1 मानना होता है। ये स्टेप आपको हर क्वेश्चन में फॉलो करना है, बस डिजिट बदल जाएंगे। फिर क्या करना होगा, स्क्वायर दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, 3 का 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर आर स्क्वायर, अब देखो फ्रॉम ए, यहाँ से मैं क्या रख सकता हूँ, पी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुटअप कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 की स्क्वायर इक्वल टू 9 आर स्क्वायर, 3 से डिवाइड करूँगा, 3 थ्री जो 9, सो की स्क्वायर इक्वल टू क्या, 3 आर स्क्वायर, ठीक है। सो आप नेक्स्ट स्टेप लैंग्वेज में क्या लिखोगे, ऊपर लिख देते हैं यहाँ पर, यहाँ पर क्या लिखोगे, सिंस क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, आर स्क्वायर का मल्टीपल 3 है, देयरफॉर क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, लिख दिया। ये चीज़ हो जाने के बाद, उसके बाद क्या लिखना है यहाँ पर, उसके बाद ये लिखना है, सिंस पी एंड क्यू बोथ इज डिवाइडेड बाई 3 which is not possible, या फिर which is against our hypothesis, ठीक। क्यों, क्योंकि दोनों numbers का होना पड़ेगा composite, यहाँ तो दोनों same sense से divide हो जा रहा है। so जो हमारा standard मैंने आपको definition जब बताया था उस चीज़ के ये against जा रहे हैं, सो दिस इज नॉट पॉसिबल अगर ये रेशनल नंबर है तो। सो रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर, ये आप लास्ट में लिख देंगे आंसर। सो ये लैंग्वेज और ये प्रोसीजर आपको हर क्वेश्चन में फॉलो करना है, हर क्वेश्चन में। डिजिट चेंज हो सकते हैं, 3 की जगह 2 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, लेकिन द प्रोसीजर विल रिमेन सेम, ओके। सो कर लो, नहीं आ रहा है अगर आपको तो रट्टा मार लो, क्योंकि ये आना ही है, आई थिंक आपको ज़रूर आ गया होगा, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ रट्टा मारो, ठीक। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, इसी से मिलता जुलता, ये आप लिख लेना, मैं मिटा दे रहा हूँ अभी। ये सब मैंने करा रखा है एनसीईआरटी पूरी। सो एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, यहाँ रूट 5 की जगह मैं कर लेता हूँ, रूट 3 की जगह मैंने 5 कर लिया, और यहाँ लिख दिया मैंने प्लस के 2 जगह कुछ भी लिख दो, प्लस के माइनस के 7 लिख दिया। हमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट रूट 5 माइनस 7 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। सो चलते हैं प्रूफ करते हैं, ये ऐसे क्वेश्चन में हर बार आते हैं। सो वही स्टेप हमें क्या करना है, लेट अंडर रूट 5 माइनस 7 इज एन
रैशनल नंबर। ठीक, कोई नंबर अगर रैशनल है सो उसे हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर क्यू की वैल्यू नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। पक्का हो गया? अब देखो इसके अपॉन में मैं वन लिख सकता हूँ। ओके, इसकी आई थिंक ज़रूरत भी नहीं है वन की, क्योंकि माइनस सेवन है वो उधर जाके क्या होगा, प्लस का सेवन। और हमारा टारगेट क्या होगा कि रैशनल को एक तरफ रखो, इरेशनल को दूसरी तरफ। सो देखो क्या होगा, माइनस का साथ जाके प्लस का साथ हो जाएगा, और चीज़ तो ऑलरेडी है। पी अपॉन क्यू क्या है? रैशनल नंबर। सेवन क्या है? रैशनल नंबर है कि नहीं? दोनों कंपोजिट आ रहे हैं। सो ये चीज़ क्या है, एक रैशनल प्लस रैशनल रैशनल ही होता है, और वी नो दैट रूट फाइव इज इरेशनल नंबर। सो रैशनल और इरेशनल क्या इक्वल हो सकते हैं? कभी नहीं। सो आपको लैंग्वेज क्या लिखना है? वी नो दैट सेवन इज रैशनल नंबर, पी अपॉन क्यू इज रैशनल नंबर, सो एडिशन ऑफ रैशनल नंबर इज रैशनल नंबर। ठीक, बट वी नो दैट रूट फाइव इज इरेशनल नंबर, सो इक्वेशन फर्स्ट रैशनल इक्वल टू इरेशनल विच इज कैन नॉट बी पॉसिबल, सो आर अजम्पशन इज रॉन्ग। हेंस रूट फाइव माइनस सेवन इज एन इरेशनल नंबर। गॉट इट? ये आप कर देंगे सो ये भी आपका हो जाएगा। अब हम आते हैं बच रहे टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसे बोलेगा कि बिना डिवाइड किए बताना है कि ये क्वेश्चन, ये जो आपको दे रखा गया समथिंग अपॉन समथिंग, क्या ये रैशनल है, इरेशनल है, या फिर टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, ये चीज़ बतानी पड़ेगी। सो पहले आपका कॉन्सेप्ट में बनाना चाहता हूँ, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। कोई भी नंबर आपका इस रूप में है अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में, और आप डिनोमिनेटर का अगर फैक्टराइज करते हैं, प्राइम फैक्टर के रूप में लिखते हैं, ठीक है, अगर वो समथिंग ओनली टू की पावर में आ रहा है तो टर्मिनेटिंग है। ओनली फाइव की पावर मल्टीपल्स में आ रहा है तो भी टर्मिनेटिंग है। टू इंटू समथिंग फाइव इंटू समथिंग क्या आ रहा है तो भी टर्मिनेटिंग है। टू इंटू समथिंग फाइव इंटू समथिंग और समथिंग थ्री वगैरह आ जा रहा है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेट तो होगा ये, साथ में रिपीट भी करेगा, रिपीट करेगा। और अगर ये दोनों के दोनों गायब हो जाए किसी नंबर से, थ्री इंटू समथिंग सेवन इंटू समथिंग है ना, ऐसे करके आता है, सो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, बस रिपीटिंग वगैरह नहीं होगा। क्योंकि अगर रिपीट करता है तो वो रैशनल होता है, और जब रिपीट नहीं करता है नॉन टर्मिनेटिंग है सो वो इरेशनल नंबर होता है। ये भी आपसे पूछ सकते हैं। सो क्वेश्चन देख लेते हैं दो तीन छोटे छोटे, और फिर आप खुद को खुद बताएंगे कि सर ये रैशनल है या इरेशनल। और ऐसे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के 1.4 एक्सरसाइज में बहुत सारे मिल जाएंगे। जैसे मैं दो ही क्वेश्चन लूँगा, टू की पावर टू है, फाइव की पावर सेवन है, और सेवन की पावर फाइव है, इसको बताना है आपको और ये बताना है, ये ऑलरेडी। तो बताइए ये जो दो नंबर मैंने लिखे हैं ये क्या है? फैक्टराइज ऑलरेडी कर रखा है मैंने, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ही मैंने पिक किए हैं। सो देखो टू इंटू समथिंग फाइव इंटू समथिंग तो है, इसके साथ साथ सेवन भी आ रखा है, तो क्या हो जाएगा ये आप बताइए। और ये देखिए सिक्स इंटू फिफ्टीन, अगर कोई नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखी जा सकती है तो आपको लिखना है। सो ये क्या हो जाएगा, थ्री टू ज़ा थ्री फाइव ज़ा टू अपॉन फाइव, ओनली फाइव आ रहा है डिनोमीटर में, तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग। और ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस
रिपीटिंग। ठीक है, ये हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा और ये रिपीट भी करेगा। रिपीट क्यों करेगा, क्योंकि 2 × 5 के फॉर्म में आ रखा है, मल्टीपल्स में 7 तो है। तो ये आपका क्विक रिवीजन था इस चैप्टर का, आशा करता हूँ आपको समझ में ज़रूर आया होगा। और सारे चैप्टर मैंने करा रखे हैं जिनकी मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वीडियो को देख सकते हैं, सीख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।